जैद भाई जी जी, मैं क्या सुन रहा हूँ कि हम लोग कीड़े पाल के भी पैसे कमा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपको मैं बताता हूँ कि कैसे कमाया जाता है कीड़े पाल के पैसे। पूरी दुनिया कमा रही है तो आप भी नहीं कमा सकते कीड़े पाल के पैसे। और इसके लिए इन्वेस्टमेंट हमें कितनी चाहिए? बहुत ज्यादा, थोड़ी सी, आप 3,000 से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम आ चुके हैं जैद भाई के पास और एक बिल्कुल ही यूनिक बिजनेस आइडिया लेके आए हैं और बिल्कुल ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं और इसके लिए कोई ज्यादा स्पेस नहीं रिक्वायर्ड, बिल्कुल इतनी सी स्पेस भी आपको मिल जाएगी तो आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मजीद जैद भाई से पूछते हैं कि ये क्या काम है और इतना कम जो है इसको आपने टाइम देना है, इतने थोड़े से पैसे लगाने हैं और मुनाफा 200 गुना। बाकी जैद भाई से पूछते हैं ये क्या सारा माजरा है। जी जैद भाई, सलाम अलैकुम। क्या हाल चाल है? जैद भाई, मुर्गियों का कारोबार सुना, मछलियों का सुना, कबूतरों का सुना, तोतों का सुना, कीड़े पालने वाला कौन सा कारोबार है यार? सर बिल्कुल, ये सारे जो आपने बिजनेसेस अभी बताए हैं ये तो एक कहने के बहुत ज्यादा लोग कर भी रहे और एक आम बिजनेस हो गया है पाकिस्तान में। तो इंसेक्ट जो कहने के इंसेक्ट फार्मिंग पाकिस्तान में आज से पहले हो ही नहीं रही थी, दुनिया कर रही थी लेकिन हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा था इंसेक्ट फार्मिंग। तो वहां से एक क्लिक हुआ जहन में कि क्यों ना हम भी पाकिस्तान में इंसेक्ट की फार्मिंग करें और इंसेक्ट बेस्ड प्रोटीन को हम भी पाकिस्तान में प्रमोट करें। तो वहां से मैंने क्लिक किया, फिर हमने पूरा एक प्लान बना के तो माशाल्लाह से हमने इम्पोर्ट करवाया यूएसए से डार्कलिंग बीटल्स के मीलवॉर्म। बेसिकली ये मैटन ब्रीड है और इसको डार्कलिंग बीटल मीलवॉर्म कहा जाता है, जिसको हमने मैदा से इम्पोर्ट करवाया। फिर यहाँ पे इसके हमने प्रॉपर एक ब्रीडिंग करवाई, ब्रीडिंग करवाने के बाद हमने इसको अपने पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च किया थ्रू सोशल मीडिया मार्केट। तो वहां से भी इतनी ज्यादा माशाल्लाह से डिमांड आई कि हम हैरान हो गए, हम तो फुलफिल ही नहीं कर पा रहे थे कि पाकिस्तान में इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे इसकी। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान में इसको लॉन्च किया और काफी ज्यादा डिमांडिंग बिजनेस और काफी ज्यादा ट्रेंडिंग बिजनेस अभी इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है। बिल्कुल जायद भाई, क्योंकि जो बेसिकली लाइव मील वॉर्म्स है, क्योंकि हमारे काफी ऐसे फैंसी है शौकीन हजरात खासतौर पर मुर्गों की, असील मुर्गों की फार्मिंग की तरफ आजकल काफी ज्यादा लोग जा रहे हैं। और फिर हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है, उन्होंने भी कहा कि अपने घर पे मुर्गियां पालें, तो मुर्गियों के लिए जो लाइव वॉर्म्स है ना, ये ऐसे कह रहे हैं कि सोने की तरह की डाइट है, क्योंकि ये एक तो बर्ड का इम्यून सिस्टम अच्छा रखता है, फिर इसके अंदर ओमेगा 3 बिल्कुल सर, और विटामिन ए है इसके अंदर, कैल्शियम है इसके अंदर, आपका बहुत ज्यादा कहने की मिकदार में प्रोटीन होता है। अल्लाह ने कुदरती तौर पे इसको मतलब कहने के आर इन वन जो डाइट होती है आपके बर्ड्स के लिए, इसके अंदर वो पूरी फुलफिल करती है। बिल्कुल ठीक। और ये हमारे कुछ फिश लवर्स भी है जो की उसमें कुछ ऐसी ब्रीड है जो के लाइक मीट ईटर या वो फिश, बिल्कुल एक फिश भी जो है वो इंसेक्ट खाती है, और अगर आप देखें तो फिश के भी एक डाइट है जो कि वो इंसेक्ट खाती है। और दूसरा जो हमारे पाकिस्तान में एग्जॉटिक बर्ड्स है, बेसिकली उनको इस चीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वो ये खाते ही यही है ज्यादातर, तो उनकी फीड में इसकी मिकदार को शामिल करना एक नेसेसरी है क्योंकि ये एक ऐसी फीड है जो उनको चाहिए चाहिए होती है। और ये बर्ड एग्जॉटिक वाले हमसे बहुत ज्यादा कहने की डिमांड करते हैं और वो इस चीज को ले रहे हैं अपनी एग्जॉटिक बर्ड के लिए, ये फॉर्म करके अपनी फीड को कह रहे हैं वो खुद तैयार कर रहे हैं। तो ये बर्ड तो चाइनीज हो गए, जापानीज हो गए, इनफैक्ट गोरे तक इसको खा भी रहे हैं और लाइव खा रहे हैं, ये कैसी सर? बिल्कुल, ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने इसको रेगुलेट कर दिया है एज अ प्रोटीन सोर्स, क्योंकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जिस तरह से तेजी से पॉपुलेशन फैल रही है उस तरह से हमारी जो खुराक की डिमांड है, मतलब कि खुराक की जो कहने की तलब है लोगों की, वो बढ़ रही है। और क्या हो रहा है कि जानवरों में कहने के उसी तरह से कमी आ रही है, सिर्फ हिंदुओं के अलावा तो मेरा ये ख्याल कि पाकिस्तान ही मीट खाते हैं, ठीक है, हो गया, हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग हैं। तो क्या हो गया, साइंटिस्ट ने इसको एज अ प्रोटीन सोर्स जो है वो कहने रेगुलेट कर दिया है, इसी तरह से गोरे और ये चाइनीज वगैरह इसको खाते हैं, इसको एज अ प्रोटीन सोर्स यूज कर रहे हैं। बट बीइंग एज अ मुस्लिम हम तो डायरेक्टली नहीं खा सकते, लेकिन हम इसको इस तरह से
टेक कर सकते हैं। हम अपने बर्ड्स को लाइक हमारे जो हमने घरों में मुर्गियां पाली हुई है, यह हमारी सबसे बड़ी जो पोल्ट्री फार्मिंग है। अभी तो पाकिस्तान की जो पोल्ट्री फार्मिंग है वो कह रहे हैं कि हम उसको एक तरीके से जहर ही खा रहे हैं, क्योंकि अगर हम अमेरिका वगैरह या हम दूसरी दुनिया की पोल्ट्री की मुर्गियां देखें और हमारी जो पोल्ट्री फार्मिंग की मुर्गियां जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल उनकी मुर्गियां हमारे देसी मुर्गियों की तरह भाग दौड़ रही होती है, एक्टिव होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो इसको कहने की ड्राई करके उनके पैरट्स बना के उनकी फीड में यूज करवाते हैं, जिससे उसकी जो प्रोटीन है, जो उनको चीजें कैल्शियम है, विटामिन है, उनकी वो क्या होता है कि वो उनको प्रॉपर वे में मिलती है और वो जो जब ग्रोथ करती है तो एक प्रॉपर मुर्गी बन के निकलती है, ना कि चूजे को एक हफ्ते में बड़ा करके तो हमारे जो खिलाया जा रहा है वो मौत खिलाई जा रही है। ऐसा ही है, मेरा तो मैसेज भी है पोल्ट्री फार्मिंग वालों को कि वो इसके अंदर आए, वो इसकी फार्मिंग भी करें, साथ में पोल्ट्री फार्मिंग भी करें, ताकि यूज भी करें, हमारे लोगों को जो मुर्गियां खिलाई जा रही है, एक हेल्दी जो चिकन है वो हमारी फैमिलीज बेसिकली जो है वो इंटेक कर सके। तो मजीद जैद भी अगर हमारा कोई दोस्त या जो हमारे इस टाइम नाजरीन इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बीटल फार्मिंग या जो लाइव मील फॉर्म है इसकी फार्मिंग में आना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? सर बिल्कुल वो कर सकते हैं, क्योंकि जब सब कर सकते हैं पूरी दुनिया वो कर सकते हैं, तो इसका प्रोसेस सिंपल है कि वो उससे कॉन्टेक्ट करें, ठीक है, तो वो कॉन्टेक्ट करें, हम उससे टाइम लें, जो अगर उनको सेशन लेना है तो सेशन की फी होती है 1500। अच्छा तो सेशन में आप क्या बताते हैं सर? उनको सारा प्रैक्टिकली करते हैं ए टू जेड, स्टेप वन से किस तरह से आपको मीलवॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, मीलवॉर्म से किस तरह से आपके प्यूपास बनेंगे, प्यूपा को किस तरह से आपने हैच करवाना है, उनके लिए टेम्परेचर किस तरह का होना चाहिए, उनके जब एक्स का टाइम मुझे एक्स किस तरह से सेट करनी चाहिए, ठीक है, कितनी स्पेस चाहिए, किस तरह से करनी, ए टू जेड को प्रॉपर वे में गाइड किया जाएगा। फिर उनके बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि हाउ टू सेल इट, तो उसके लिए सेलिंग जो कहने के जो उसका होता है कि एक प्लान होता है वो भी उनको बताया जाएगा कि उनको सेल किस तरह से करना, मतलब कि फार्मिंग से लेके एंड तक सेलिंग तक कैसे करनी है वो हर चीज आप उसको वो तकरीबन 1.5 घंटे के सेशन के अंदर बताएंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सिर्फ सेशन नहीं वो बाइंग भी करता है साथ, देन उसके लिए सारा जब बाय करता है तो उसमें ये होता है कि उनका सेशन फ्री हो जाता है। अच्छा, हमारे पास 1 घंटा लगा है बाय करने के बाद, या 1.5 घंटा या 2 घंटा बैठ कर जो भी मतलब सवाल वगैरह करेगा तो सेशन फ्री नहीं होगी, ठीक है। जब उन्होंने बाय किया जो उनके प्रोडक्ट की प्राइस है अभी लाइक अगर 1000 पीस बाय किया तो 30,000 रुपए सिर्फ वो पे करेगा, ठीक है। यानी कि अगर वो बाइंग भी करता है हमारा कोई दोस्त तो उसके साथ उसको जो सेशन है वो जब तक पूरा उसको हर चीज एक क्लियर नहीं हो जाएगी तो इंशाल्लाह तब तक उसको बताएंगे। जैद भी जिस तरह बता रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई आता है तो उसको प्रॉपरली आप गाइड करेंगे, और इसके अंदर फिर इसमें तो आपके पास तमाम स्टेजेस का होना जरूरी है, तो आपके पास बिल्कुल हमारे पास तमाम स्टेजेस का है, मतलब कि आप कहने के जो वॉर्म्स हम इनको जो अपने कस्टमर को सेल करते हैं वो उस स्टेप से लेके तो जो बीटल देन फिर एग के बाद जब उनकी हैचिंग होगी वहां तक का पूरा स्टेप है, मतलब कि पूरा एक साइकिल हमारे पास है।